iconic international art machine is ready to set its mark in Indian cinema industry. Well, yes, आज सुबह कंपनी के CEO रॉय प्राइस ने एक काफी एक्साइटेड ट्वीट शेयर की विद हिज यूजर्स. International Entertainment Studio International Art Machine is ready to enter with a bang with three new movies for our Indian audience. First film based hogi novelist Amish Tripathi ki book Shiva Trilogy mein se The Immortals of Meluha par, जिसे शेखर कपूर डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने एलिजाबेथ और बंदित क्वीन जैसी सीरीज डायरेक्ट की हैं, और साथ ही एज अ शो रनर काम करेंगे सुपूर्ण एस वर्मा, जिन्होंने द फैमिली मैन सीजन 2 जैसी सीरीज में काम किया है. और वहीं अगर सेकंड बिग वेंचर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट द किटी पार्टी मिलने वाला है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को. जी हाँ, वीर जारा सलाम नमस्ते कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज से फेम गेम करने के बाद एक्ट्रेस ज्यादातर आईपीएल में अपनी टीम पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट करती नजर आती हैं. लेकिन अब फिर एक बार लगता है कि प्रीति नजर आ सकती हैं इन अ फिल्म जो कि फिल्ड होगी ड्रामा कॉमेडी एंड थ्रिल से. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये फिल्म एक मर्डर थ्रिलर होगी, जिस पर प्रीति ने ज्यादा कुछ कमेंट ना करते हुए सिर्फ इतना कहा दैट शी कांट वेट टू गेट दिस स्टार्टेड. वहीं रॉय प्राइस के लास्ट प्रोजेक्ट में इंक्लूड होती है एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म गॉड, जिसे डायरेक्ट करेंगे दिबारकर बैनर्जी, जिनकी लास्ट लॉन्च संदीप और पिंकी फरार थी, जिसमें अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा ने लीड कैरेक्टर्स प्ले किए थे. इंटरनेशनल आर्ट मशीन के सीईओ रॉय प्राइस चाहते हैं अपनी इस कंपनी को एक गेम चेंजर बनाना, इसीलिए उन्होंने एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स फाइनल कर दिए हैं, जिससे उनकी कंपनी का बैनर इजीली एशिया में अपनी जगह बना पाए. फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स कीप वॉचिंग गूगल बॉलीवुड.